तो सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मूवी रेकमेंड किया, तभी तो ये मूवी मैं देख पाया हूँ। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि जैसे मैंने इस फिल्म को देखा, उसके अगले 3 4 दिनों तक मैं मूवी रिव्यू का वीडियो बना ही नहीं पाया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि होता है ना, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पर बताने लायक इतनी सारी बातें होती हैं कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, इस कन्फ्यूजन में वीडियो बनाना ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक मैं बस सोच में ही पड़ा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ, और उसी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही इस फिल्म ने ऑलरेडी मेरा दिमाग मतलब अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उतना दिमाग नहीं लगाना है और जो सिर्फ मेरे मन की बातें हैं वही मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो शायद मैं मूवी रिव्यू भी बना सकूं और शायद मुझे ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा अलग हटकर बनाने वाला हूँ, जहाँ पर इस मूवी रिव्यू में मैं एक तरीके से अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब एक इंसान जिसको इस मूवी के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसके सामने इस मूवी को रख दिया गया है, और अगर वो इस मूवी को देख है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा, इस मूवी को देखने के बाद उसको क्या समझ में आएगा, वो भी बिना स्पॉयलर्स के। तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूँगा। तो जैसे ही इस मूवी को देखना मैंने शुरू किया, तो मुझे ये पूरी मूवी एकदम सिंपल सीधी सादी लगी, जहाँ पर सभी चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ भी ज़्यादा तामझाम इस मूवी में था नहीं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि ये जो मूवी में हमको पूरे टाइम पीरियड में जो देखने को मिलता है, आखिर वो क्यों देखने को मिल रहा है, किस वजह से देखने को मिल रहा है, मैं मतलब सोच में पड़ गया था कि आखिर ये जो सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं आखिर वो क्यों हो रही हैं, और आखिर ये हमें दिखाया क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी, और यहीं पर कहीं ना कहीं ये मूवी हमारे साथ खेल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी मुझे, सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है जिस पे आपको शक हो या फिर आपको दिमाग लगाना पड़े, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरीके से हमारी सोचने समझने की ताकत को दबा देती है। कैसे? देखिए, एंडी का जो कैरेक्टर है वो रेड को कुछ एक चीज़ लाने के लिए बोलता है, एक डिमांड रखता है, जिसके बाद रेड उसको लाकर दे तो देता है। और जैसा मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जो कि शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, कि पक्का ये यही करने वाला है, लेकिन हमारे दिमाग में सवाल उठे उससे पहले ही हमें जवाब मिल जाता है रेड के मुँह से कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है या फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरीके से सवाल उठने से पहले ही हमारी सोच को, हमारे समझने की ताकत को ही दबा दिया जाता है, जिस वजह से हम उतनी दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं, और यहीं पर ये फिल्म जीत जाती है। क्योंकि जब आप सोचोगे, समझने लगोगे, आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, तो एंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में ये मूवी एक तरीके से हमें भटका देती है, हमारे सोचने समझने की ताकत को दबा देती है। ये फिल्म सिर्फ वही दिखाती है जो कि हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, बस वहीं तक ये फिल्म हमें लेकर जाती है, और उसी वजह से एंड में हमें जो देखने को मिलता है वो एक तरीके से बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, और आप अपना सर पकड़ोगे और यही बोलोगे कि यह मैंने सोचा क्यों नहीं। आप सोच रहे थे, आप सोचते, लेकिन शुरुआत में ही आपने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि फिल्म तो सिंपल थी, दिमाग लगाने जैसा कुछ यहाँ पर था ही नहीं, और उसी का नतीजा हुआ कि एंड ने आपको झटका दे दिया। और यही बात मुझे इस फिल्म की बहुत ज़्यादा पसंद आई कि हम उतनी दूर तक सोच ही नहीं पाते, ये जो फिल्म है हमारे सोच का दायरा छोटा कर देता है, जिस वजह से आप उतना दूर तक सोच ही नहीं पाओगे कि ये हमें इतना कुछ भी देखने को मिल सकता है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। और यही बात मुझे इस फिल्म की बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी फिल्म में जो हमें देखने को मिलता है ये आखिर क्यों दिखाया जा रहा था, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें भटकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एंड में जो हमें देखने को मिलता है या बीच बीच में जो हमें हल्के फुल्के हिंट मिलते हैं, लेकिन आपका शायद उस पर ध्यान कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस मूवी ने जिस तरीके से भटकाया है उस वजह से हम उतना दूर तक कभी सोच नहीं पाते हैं। खासकर मेरी बात अगर मैं करूँ तो मुझे झटका ही लगा था एंड में, क्योंकि मैं उतनी दूर तक शायद सोच ही नहीं पाया था कि कुछ ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस पूरे टाइम पीरियड में जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक जेल का सीन हमें दिखाया जा रहा है, उस पूरे जेल में क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, हालांकि वहां पर जो हमें सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है उनके जरिए हमें काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें भी यहां पर दिखाई समझाई गई हैं,
यहाँ पर कुछ भी बेकार हमें दिखाया नहीं गया है। और इसके अलावा पूरे टाइम पीरियड में हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है जेल का माहौल, और उसके हर एक सीन में, हर एक पार्ट में जो एक छोटा छोटा मैसेज, जो हमें एक ज़िंदगी का सबक दिया गया है पूरी फिल्म के दौरान, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ जो कि मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि इस सीधी सादी फिल्म में हमें हर एक सीन में, हर एक छोटे छोटे जगह पर जो इतना बढ़िया खूबसूरत मैसेज दिया गया है, जिसको आप अगर नोटिस करोगे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत सारी अच्छी बातें हमें इस फिल्म में बताई गई हैं, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक तरफ जहाँ पर ये एक कैरेक्टर है जिसके ज़रिए हमें सीख भी मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ये फिल्म हमें एक तरीके से भटका भी रही है, ताकि हमारी जो नज़र है वो वहाँ तक जाए नहीं, हम कभी शक ही ना कर पाएँ कि कुछ हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही कोई फिल्म होगा जिसमें इस तरीके से हमारे दिमाग को भटकाया गया हो। और मतलब एक सीधी सादी फिल्म से आप इस तरीके की उम्मीद भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। एक सीधी सादी से फिल्म है जहाँ पर कुछ भी आपको अलग हटके देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से ना शक होता है और ना ही आप उतनी दूर तक सोच पाओगे, क्योंकि शुरुआत में ही ये फिल्म हमारे सोचने समझने की ताकत तो हमसे छीन लेती है। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको भी ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि अगर आपने शुरुआत में अपने सोचने समझने की ताकत को बनाए रखा तो शायद एंड आपके लिए सरप्राइजिंग ना हो, पर फिर भी ये फिल्म आपको झटका ज़रूर देगी। और इस फिल्म में जो छोटे छोटे मैसेज दिए गए हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ हम ज़िंदगी में अचीव भी कर सकते हैं। तो ये भी बात मुझे इस फिल्म की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और उसी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक सीधी सादी फिल्म देखना चाहते हो जो सीधी सादी हो लेकिन उसमें जो हमें देखने को मिले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो ये फिल्म आपके लिए है। तो उसी वजह से मैं आपको ये फिल्म रेकमेंड करता हूँ, आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। और दूसरी बात, जैसा कि इस फिल्म के बारे में, फिल्म देखने के बाद जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इस फिल्म को सब बेहतरीन फिल्म बोल रहे थे, तो क्या वाकई में ये फिल्म बेहतरीन फिल्म है या नहीं? तो जी हाँ, ये एक बेहतरीन फिल्म है। हालांकि कुछ लोग इस फिल्म को बेस्ट फिल्म भी बोल रहे थे, पर देखो सच यही है कि कोई भी फिल्म बेस्ट नहीं होती है, कुछ कमी खामियां तो होती ही हैं, पर हाँ सभी अच्छी फिल्मों में अगर बेहतरीन या सबसे अच्छी फिल्म की बात की जाएगी तो ये वही फिल्म होगी, और मैं क्या ही बोलूँ। और हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिएगा। लेकिन हाँ, फिल्म आपको भटकाएगी ज़रूर, आपके सोचने समझने की ताकत पर ये काबू पाने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि आपके दिमाग को कंट्रोल भी करेगी, पर आप भटकना मत। जो आपको दिखाया जा रहा है उसकी बारीकियों को और जो भी हमको देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा सा समझने की, और छोटी छोटी जो हिंट है उसको समझने की कोशिश ज़रूर करना, तभी आप भटकने से या फिर उस चक्रव्यूह में फंसने से बचोगे, वरना फंस कर ही रह जाओगे और एंड आपको झटका ही देगा जैसा कि मुझे दिया था। जोहार।